हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम इंडियन पॉलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, संसद, संसदीय सरकार के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जो हमारे देश में सरकार है वो कैसे काम करती है, कैसे चलती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, वो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट्स कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टॉपिक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक पढ़ने में, पढ़ाने में। तो आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, देखती हूँ मैं कितना आपको समझा पाई हूँ उस टॉपिक के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं, संसद पढ़ते हैं, संसदीय सरकार पढ़ते हैं। इसके अलावा हम चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मैं सब समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन में हमको समझ लेते हैं। भारत में संघीय सरकार है, भारत में संघीय सरकार है। आपको पता है हमारे देश में क्या है, 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन्होंने मिलके हमारा क्या बनाया है, एक देश बनाया है जिसे हम भारत बोलते हैं, ठीक है। भारत में क्या है, संसदीय सरकार है, तो दो स्तरों पर सरकार का गठन किया गया है, टू लेवल्स पे सरकार है, ये तो आप सब जानते हैं। एक सेंट्रल लेवल पे चलती है और एक स्टेट लेवल पे चलती है। हर एक राज्य में, अगर 29 राज्य हैं तो 29 राज्यों में सरकार है और एक सेंट्रल लेवल पे है। ये होना भी ज़रूरी क्यों, मान लीजिए देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, सेंटर में एक व्यक्ति है, तो वो इतना बड़ा देश है, क्या वो अकेला उस देश को चला लेगा, नहीं चला लेगा ना। उसको अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अपनी पावर्स के बारे में बताने के लिए, या कोई भी वो नियम कानून लाया है वो चीज़ लागू करने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। हम एक मैच खेलते हैं तो क्या कैप्टन ही मैच जीत लेता है क्रिकेट, नहीं ना, उसे पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है। उसमें उसको फील्डर्स भी चाहिए, उसको बॉलर्स भी चाहिए, उसको बैट्समैन भी चाहिए। सिमिलर एक सरकार जब बनती है तो वो अकेले पूरा काम नहीं कर सकती, उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो वो अगर सेंट्रल पर मान लीजिए हमारी सरकार है तो क्या वो वहाँ से अकेले बैठ के सारे काम कर लेगी, नहीं, उसे हर एक राज्य में भी सरकार चाहिए जो उसका फुल सपोर्ट करे, जो उसके काम जो है वो अपने अपने राज्यों में लागू होने दे। तो जब इसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, सेंटर से जो पूरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट लेवल तक, ठीक है। तो हमारे देश में दो सरकारें चलती हैं, एक स्टेट लेवल पर सरकार चलती है और एक केंद्र लेवल पर सरकार चलती है, सेंट्रल लेवल पर चलती है। तो गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये तो हम जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम केंद्र सरकार बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो कि राज्य की सरकारें हैं, ठीक है। और कितने गवर्नमेंट कितने में चलती है, 29 स्टेट्स में चलती है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज जो कि भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी आपकी सरकार है। क्लियर है, ये बात आपके समझ में आई। अब इन सरकार के कितने अंग होते हैं, क्या क्या काम होते हैं इनके, वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए प्रत्येक सरकार के तीन अंग होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, उनके केवल तीन ही अंग होते हैं और तीन ही अंगों में तीन मुख्य काम होते हैं, ठीक है। वो क्या क्या होते हैं, कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव, सेकंड होता है व्यवस्थापिका द लेजिस्लेटिव और तीसरा होता है न्यायपालिका द जुडिशरी। चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, काम दोनों के सेम ही होते हैं। सेंट्रल लेवल पर भी ये तीन अंग होते हैं और स्टेट लेवल पर ही ये तीन अंग होते हैं। स्टेट लेवल पर भी देख लीजिए, द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, द लेजिस्लेटिव व्यवस्थापिका एंड द जुडिशरी न्यायपालिका, ठीक है। अब सबसे पहले द एग्जीक्यूटिव क्या, कार्यपालिका क्या होती है वो हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कार्यपालिका का काम संविधान और कानून के अनुसार देश का शासन चलाना है। अब कार्यपालिका का क्या काम है, ये जो अंग है इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ये क्या करता है, इसका काम है कि संविधान और कानून के अनुसार देश का शासन चलाना। हमारे देश में संविधान है, वो क्यों बनाया गया, देश में लॉ लाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए, कि देश एक नियम पर चले, एक कानून पर चले, तभी तो हमारे देश में संविधान बनाया गया है, है ना। तो वो जो कानून है, वो जो संविधान है, वो सब लोग देश के लोग माने, उसके अनुसार हमारा देश चले, वो काम कौन करता है, वो कार्यपालिका करती है। अब लेजिस्लेटिव क्या करती है, व्यवस्थापिका देश के लिए लॉ कानून बनाती है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है कोई नया कानून बनाने की, कहीं नए कानून की व्यवस्था करने की, तभी तो हम उसे व्यवस्थापिका बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बोलते हैं। तो वो काम कौन करती है आपकी, वो आपके लेजिस्लेटिव करती है, व्यवस्थापिका करती है, ठीक है। व्यवस्थापिका अंग जो कि सरकार हैं तीन, इसके अंदर और लोग होते हैं जो इन कामों को करते हैं। तीसरा काम है जुडिशरी न्यायपालिका, जो लोग ये जो कानून बनाए गए हैं देश में चलाए जा रहे हैं, अगर उसका पालन नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो उसको दंड देने का प्रावधान, दंड देने का काम कौन करती है, जुडिशरी करती है। कानून के खिलाफ काम करने वालों को सजा देती है। समझ में आया आपके बात, हमारे देश में
किस तरीके की सरकार चलती है, दो लेवल पर सरकार चलती है, संघीय सरकार है, एक सेंट्रल लेवल पर चलती है, एक स्टेट लेवल पर चलती है, दोनों ही लेवल पर सेम काम होते हैं, सेम अंग होते हैं, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है, कानून देश में सही से चल रहा है ये देखना। व्यवस्थापिका का क्या काम है, नए कानून नए नियमों को बनाना, ठीक है। और जुडिशरी का क्या काम है, जो भी उस कानून को नहीं मानता है, जो देश के लिए सही है, देश में चलाया जा रहा है, उसको सजा देने का प्रावधान। क्लियर है, आपके समझ में आ गया होगा, आई होप स्टूडेंट्स। मैंने बहुत बहुत क्लियरली करके समझाने की कोशिश करी है। अब देख लीजिए, हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। सबसे पहले हम सेंट्रल लेवल पर बात करेंगे। सेंट्रल लेवल पर जो सरकार चलती है वो पार्लियामेंट है, ठीक है, संसद बोलते हैं उसे। संसद वो जगह है जहाँ से बैठता है, हमारा देश चलाया जाता है, हमारे देश को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो स्थान वो जगह है पार्लियामेंट। सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में एक संघीय व्यवस्था है, इसे संसद कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली, बिल्कुल सेम, अब मैं आपको दो चीज़ें साथ साथ पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स। मैं स्टेट लेवल के गवर्नमेंट भी आपको साथ में पढ़ाऊंगी और सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट साथ में पढ़ाऊंगी। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा, आपको अलग अलग समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम काम है। जैसे स्टेट सेंट्रल में जो काम है वही सेम डिवीज़न सेम काम स्टेट लेवल पे है, बस केवल नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम समझ लेते हैं। हर राज्य में भी व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, हर राज्य में, ठीक है। और संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। जैसे आप विधान मंडल, जैसे आप समझ रहे हैं सेंट्रल लेवल पे क्या है, संसद है, संसद भवन है, ऐसे ही हर राज्य में क्या होता है, एक विधान मंडल होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, नहीं समझ में आया, समझ में आया। सेंट्रल में क्या है, संसद है, जहाँ से बैठकर पूरा देश रेगुलेट किया जाता है। और हर राज्य में भी तो कोई जगह होगी जहाँ जाके सरकार बैठेगी, काम करेगी, जहाँ बैठ के, वो विधानमंडल होता है, ठीक है, जहाँ से एक राज्य को रेगुलेट किया जाता है। क्लियर हुआ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, आई होप समझ में आ रही होगी। अब देख लीजिए, भारत में संसद के दो सदन होते हैं, दो सदन भारत में संसद के हैं, वो कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और हर राज्य में विधानमंडल है, विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब ये बात आप मत करिएगा कि मैडम विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, मुझे पता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। विधान परिषद जो एक ऐसा सदन है जो हर राज्य में नहीं है, लेकिन अगर हम विधानमंडल की बात करते हैं तो वो दो सदनों से मिलकर ही बनता है, किन किन से, विधानसभा से और विधान परिषद से। स्टूडेंट्स, मेरी बात क्लियर हो रही है। और भारत में संसद के दो सदन कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये भारत में बात कर रहे हैं हम, और ये हम हर राज्य में बात कर रहे हैं। हर राज्य में विधानमंडल होगा, ये बात क्लियर करा गया है। और हर विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो लेट्स आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लीजिए, मैंने एक चार्ट बनाने की कोशिश करी है, आपको समझाने की कोशिश करी है। देखिए, सबसे पहले हम संसद की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट में राज्यसभा है, लोकसभा है, और एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं संसदीय सरकार, संसद। इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सरकार में, ठीक है। कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट क्या है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का पूरा जो वीडियो है वो अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है ये, इसमें कवर नहीं हो सकता था। राष्ट्रपति के बारे में अलग वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम केवल संसद के बारे में समझ लेते हैं, संसदीय सरकार के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। दूसरी चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, वो होती है राज्यसभा, जो कि इसका उच्च सदन कहलाता है। पार्लियामेंट का सबसे बड़ा सदन, सबसे ऊंचा सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है लोकसभा, जिसे निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा, लेकिन ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट सदन होता है, क्योंकि जो भी चुनाव होते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो चुनाव लोकसभा में होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए, फिलहाल आप ये समझ लीजिए, तीन लोगों से मिलकर सरकार बनती है, तीन चीज़ों से मिलकर संसद बना है। किस किस से, प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। सिमिलरली विधानमंडल की बात कर लेते हैं। विधानमंडल में वहाँ राष्ट्रपति, तो यहाँ कौन होंगे, राज्यपाल होंगे। हर, आपको पता है, हर स्टेट में एक राज्यपाल होते हैं, और ज़रूरी नहीं है राज्यपाल जो हैं वो एक स्टेट से ज़्यादा के भी राज्यपाल हो सकते हैं। मान लीजिए अगर यूपी के राज्यपाल हैं तो वो कहीं और के भी राज्यपाल हो सकते हैं, क्लियर है। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है राष्ट्रपति की तरह, राज्यपाल को भी हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेट में, जैसे देश में राष्ट्रपति की
राष्ट्रपति बनकर और लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट बनाती है। सिमिलरली हर स्टेट में राज्यपाल के साथ विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल बनाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो विधानमंडल में क्या है, विधानसभा जो कि निम्न सदन है और विधान परिषद जो कि उच्च सदन है। क्लियर हुआ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आई होप आई अंडरस्टैंड कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार जिसे हम बोलते हैं, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आपको ये बात पता होना चाहिए, हमारे देश में जो संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो हर देश से बोरो करके बना है। किसी ना किसी देश की कोई ना कोई प्रणाली से लेकर के हमारा संविधान बनाया गया है। तो जो संसदीय प्रणाली है हमारे देश में, ये जो बनाया गया कि हमारे देश में ऐसे काम होगा, ये ब्रिटिश संविधान से लेकर के बनाया गया है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी, तीन इंपॉर्टेंट अंग हैं, ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, ये स्थायी सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य (1/3) हर दो वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति अर्थात अध्यक्ष होता है। राज्यसभा जो होती है उसको जो रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, जो उसमें काम करेगा, जिसके अंडर में लोग काम करेंगे, उसकी बात सुनेंगे समझेंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और एक उपसभापति भी होता है। उपसभापति जब ये नहीं होंगे वाइस प्रेसिडेंट तो उनकी जगह पे काम करेंगे। ठीक है, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। जैसे आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है। क्लियर है? अब योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, इसीलिए इसे परमानेंट हाउस पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परमानेंट हाउस किसे कहते हैं, राज्यसभा को, लोकसभा को, किसे बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझते जाइएगा। जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या है वो 250 है। कहा ये क्लियर है, संविधान से क्लियर है कि 250 सदस्यों की संख्या हो सकती है। किसमें? राज्यसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? केवल 250। वर्तमान में कितने हैं? 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, पता नहीं कितनी बार, कितने क्वेश्चंस ये क्वेश्चन पुट किया गया कितने एग्जाम्स में, कि कितने राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकते हैं। वो 12 सदस्य हैं, और ये सदस्य जो होते हैं कला से, साहित्य से, अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कितने बचे? 233। ये जो है अधिकतम चुने जाते हैं। जो निर्वाचन होता है राज्यसभा में, चुनाव होता है, उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। कैसे? जनता द्वारा चुने हुए जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो मेंबर्स चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 233 मेंबर्स चुने जाते हैं, जिसमें से 4 चुने जाते हैं यूनियन टेरिटरी से, 4 चुने जाते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश से, और 229 चुने जाते हैं आपके राज्यों से। क्लियर हो गया ये आपको स्ट्रक्चर? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। इसे निम्न सदन कहते हैं, इसे हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल, जनता का घर बोला जाता है। ये नाम इसको 1954 में दिया गया था। ये संसद का निम्न सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहाँ कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का। वहाँ ज़्यादा क्यों था? क्योंकि वो उच्च सदन है, थोड़ी मेच्योरिटी और बढ़ा दी जाती है। यहाँ 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। ठीक है, जब आपके देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तब लोकसभा में चुनाव चलते हैं, इलेक्शन चलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, अर्थात इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, जिनका चुनाव स्वयं लोकसभा के सदस्य करते हैं, मेंबर करते हैं। आपकी एक टीम है, आपने खुद ही चुन लिया कि ये मेरा अध्यक्ष होगा, ये मेरा उपाध्यक्ष होगा। सेम लोकसभा में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होने चाहिए। इसमें सदस्यों की संख्या क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है? मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 552। ये क्वेश्चंस कई बार पुट किए जाते हैं, बहुत अच्छे से मैं समझा रही हूँ, समझते जाइएगा। लेकिन वर्तमान में क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? 545, जिसमें से 2 राष्ट्रपति 2 चुनते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस चुनते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में कितने चुन रहे थे? 12। यहाँ कितने चुनते हैं? 2, वो भी कौन से? एंग्लो इंडियन, आंग्ला भारतीय।
ठीक है, और कितने बचते हैं 543, वो चुनाव के द्वारा आते हैं, उन्हें कौन चुनता है, जनता चुनती है, ठीक है, जिसमें भी 13 किस्में से चुने जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज से, केंद्र शासित प्रदेश से, और 530 चुने जाते हैं आपके स्टेट से। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देख लेते हैं हम, मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। अब यह मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री होता है, आवश्यकता अनुसार मंत्री होते हैं, क्लियर है। मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियों में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उपमंत्री होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होता है वो किससे मिलकर बनता है, जिसमें सबसे मुख्य होता है प्रधानमंत्री, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, बिना विभाग के मंत्री होते हैं, कई मंत्री होते हैं, क्लियर है। जिसमें आपके प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संबंध स्थापित करता है, क्लियर है। ये मंत्रिपरिषद होता है, इसमें कार्यपालिका की शक्ति होती है सबसे ज़्यादा, और मुख्य रूप से काम जो होता है वो ये मंत्रिपरिषद ही करता है। और ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। मैंने बोला ना, लोकसभा इसके लिए उत्तरदायी होता है और ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। समझ में आ गई बात आपके? क्लियर हो गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? पहले लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी, पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, वर्तमान में सुमित्रा महाजन है। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी, पहले अध्यक्ष लोकसभा के अगर पूछे जाएंगे तो जीवी मावलंकर थे, और वर्तमान में सुमित्रा महाजन है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मंत्रिपरिषद, यही आपकी सरकार है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, वर्क्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, क्या क्या कार्य होते हैं इनके। राज्यसभा के देख लेते हैं, संविधान संशोधन की शक्ति, लोकसभा में भी संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की गई संकट काल की घोषणा को 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृत होना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राज्यसभा, लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश तथा कुछ अन्य पर महाअभियोग चला सकती है। इसके अलावा लोकसभा व राज्यसभा मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास करके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। प्रेसिडेंट अभी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा अलग अपने में टॉपिक है। इसके अलावा आप क्या आता है, विधानमंडल, जो कि राज्य की सरकार की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। विधानमंडल क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है राज्यपाल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही विधानमंडल है। किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा निम्न सदन है, वहाँ पे निम्न सदन क्या था? लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। संसद में क्या था उस सदन? आपके राज्यसभा। आगे देख लेते हैं हम, विधानमंडल क्या है? व्यवस्थापिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा। कुछ राज्यों में विधानमंडल को एक ही सदन होता है, जबकि कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जिसे विधानसभा और विधान परिषद कहा गया है। बताया ना मैंने, सब राज्यों में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, प्रत्येक राज्य में विधानसभा की व्यवस्था है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेम लोकसभा की तरह है, देखते जाइए आप। किसी लाभ के पद पर ना हो, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा की कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। बट इन गोवा, ये अपवाद है। क्या अपवाद आ गए हैं कि गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, 32 है। जबकि कितने होने चाहिए? कम से कम 60 होने ही चाहिए और अधिक से अधिक 500, लेकिन इन तीनों में अपवाद है, ये आपको लर्न करना है। निर्वाचन किसका चुनाव होता है? जब विधानसभा में चुनाव होते हैं तो MLAs विधायक चुने जाते हैं, ठीक है, जनता के द्वारा। वहाँ लोकसभा में चुने जाते हैं, यहाँ कौन चुने जाते हैं? जनता के द्वारा MLAs विधायक चुने जाते हैं। विधानसभा में एक सदस्य आंग्ला भारतीय समुदाय से राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब वहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं 2, यहाँ राज्यपाल चुनते हैं 1, ठीक है। विधानसभा में विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन उसी के सदस्यों के द्वारा होता है, सेम लोकसभा की तरह। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है ये नहीं, ये अध्यक्ष ही तय करता है। सिमिलरली लोकसभा में भी यही होता है। यह विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है, वहाँ राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। विधानसभा का सत्र 2 वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक है। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल के पहले भी विधानसभा को विघटित किया सकता है, अर्थात भंग किया जा सकता है। विधानसभा के क्या क्या कार्य हैं? कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, बजट पास करने का अधिकार, निर्वाचन में भाग लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, विधान परिषद, जो कि उच्च सदन है, जैसे राज्यसभा था, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग इसको बोलते हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वर्तमान में भारत में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। किस किस में?
उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। संविधान के आर्टिकल 169 के अंतर्गत इसकी स्थापना एवं समाप्ति की व्यवस्था की गई है। आगे देख लेते हैं, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होगी और उसके राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। मतलब जितने विधानसभा के मेंबर्स हैं उसमें केवल 1/3 मेंबर्स ही विधान परिषद में हो सकते हैं। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का, राज्यसभा में भी 6 वर्ष का। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 जो पर्सन है वो अवकाश ग्रहण करेंगे और वह उसके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। अपवाद क्या है, जम्मू कश्मीर में 36 हैं जबकि कम से कम कितने होने चाहिए, 40। अब इसमें चुनने की पद्धति क्या है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति है, ये मैं आपको राष्ट्रपति वाले लेक्चर में समझा दूंगी। कितने कितने मेंबर्स किस में चुने जाते हैं, 1/3 स्थानीय निकाय से, 1/3 राज्यों की विधानसभा के द्वारा, 1/6 राज्यपाल के द्वारा, 1/12 माध्यमिक स्तर या इससे ऊपर के स्तर के शिक्षकों के द्वारा, और इसके अलावा 1/12 स्नातकों के विश्वविद्यालय में स्नातकों के द्वारा। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्या है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, बिल्कुल राज्यसभा की तरह, इसे भी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक विधान परिषद में एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। इसके वर्क्स क्या है, विधेयकों को पारित करने का काम करना, कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सदस्यों की संख्या बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट वर्तमान में इसे लर्न कर लीजिए। तेलंगाना में 40, बिहार में 75, जम्मू कश्मीर में 36, उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटका में 75, आंध्र प्रदेश में 50 एंड महाराष्ट्र में 78। ये मैं इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है विधान परिषद में, क्योंकि इन 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी में सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या है, चाहे लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे विधान परिषद की हो। लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है, विधानसभा में 403 है, 403 एंड विधान परिषद में 100 है। सो रैप अप करते हैं स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए आपको दोनों समझाए हैं एक साथ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। सो रैप अप करते हैं, ठीक है, बाय, कीप इट अप, पढ़ते रहिए।